अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज एरर इन मेजरमेंट और एरर एनालिसिस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेजरमेंट में, मापने में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, त्रुटियां आ सकती है। फिजिक्स का डिफिनीशन आपको जब बताया गया था, कई डिफिनीशंस बताए गए थे, उनमें से एक डिफिनीशन था द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स हमें मेज़र करना सिखाता है, मापना सिखाता है। तो दोस्तों, मापने में क्या क्या गलतियाँ, त्रुटियाँ, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे एरर्स, हो सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर वही है कि किसी भी मेज़रमेंट में, किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट में कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं। इससे पहला चैप्टर भी मेज़रमेंट से ही रिलेटेड था। मेज़रमेंट करने के लिए ही यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट और डायमेंशन की जो आवश्यकता पड़ती है वो मेज़रमेंट के लिए। और फिर उस मेज़रमेंट में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, तो उसी पे एक पूरा चैप्टर है आपका, एरर इन मेज़रमेंट और एरर एनालिसिस। बहुत आसान सा और छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें ज़्यादा नहीं है। कुछ बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में ये मिक्स है उसी के साथ, यूनिट एंड डायमेंशन के साथ ही, और कुछ बुक्स में ये आपको अलग चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों, एरर तो हर कोई जानता है। अगर मैं कहूँ आपको कि आपने 2 kg मान लो एप्पल ख़रीद के घर लाया और आपने उसको सोचा कि हम फिर से उसको चेक कर लेते हैं, उसको घर में फिर से नापा आपने, वो मान लो 1.5 kg निकला। पैसा कितना का देके आए? 2 kg का। खरीद से कितना लाए? 2 kg। और जब चेक कर रहे हैं तो वो हमारा कितना निकला? 1.5 kg। तो आप में से कोई बता सकते हैं एरर कितना हुआ? 2 kg होना चाहिए लेकिन वो 1.5 kg है, तो एरर कितना आया? कितना आया जी? आधा के जी, 0.5 kg। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकाले? मान लो कोई चीज़ 500 ग्राम खरीद के लाए और घर में नापे 400 ग्राम निकला, तो बताओ दोस्तों कितना एरर निकला? 100 ग्राम। इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सब जानना है। कैसे निकाले? जोड़े की घटाए? माइनस किए। किस में किसको माइनस किए? जो एक्चुअल होना चाहिए और जितना चेकिंग में आया, ऑब्जर्वेशन उसको बोलते हैं, परीक्षण, जांच। तो किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल मेज़रमेंट होता है, वास्तविक माप, और फिर ऑब्जर्वेशन, जांच, परीक्षण में जो मेज़रमेंट आता है, उस दोनों का अंतर, डिफरेंस ही एरर कहलाता है ना। यहाँ पे एरर हमारा कौन है? एरर इन मेज़रमेंट है। देखिए, एरर तो आप है ना, इंग्लिश ग्रामर में भी एरर पढ़ाया जाता है, ग्रामेटिकल एरर। लिखने में एरर हो सकता है, बोलने में एरर हो सकता है, होता है नहीं, पढ़ने में एरर हो सकता है। तो वो एरर यहाँ नहीं चाहिए। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हमें मेज़र करना सिखाता है, तो मेज़रमेंट में क्या एरर आएगा, तो उसी पे हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला सवाल तो यही उठता है कि व्हाट इज़ एरर, या व्हाट इज़ एरर इन मेज़रमेंट। तो दोस्तों, हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस है किसका? एक्चुअल मेज़रमेंट एंड मेज़रमेंट इन ऑब्जर्वेशन। मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं? चेकिंग को, जो घर में आप फिर से आपके चेक कर रहे हैं उसको। एक्चुअल, वास्तविक माप, जितना होना चाहिए, और चेकिंग में जितना मेजरमेंट आया, उस दोनों का डिफरेंस, उस दोनों का अंतर ही एरर इन मेजरमेंट कहलाता है। और फिजिक्स में शॉर्टकट में एरर ही बोलते हैं। फिजिक्स में एरर मतलब एरर इन मेजरमेंट ही होगा,
क्योंकि फिजिक्स क्या है, द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया एरर का। कुछ लोग क्या नीचे देखने आए, क्या नीचे कुछ है क्या, वहाँ पे लड्डू है नीचे, क्या नीचे देखते हैं आप लोग? ऊपर बोर्ड की तरफ देखोगे तब ना समझ में आएगा। जी कितना बार बोले एक ही बार, सीधा बैठो और पीछे वाले सीधा बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, एकदम बिल्कुल सीधा। अब बोर्ड की तरफ नजर रखो, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, दाएं बाएं सब तरफ देखता है, बोर्ड नहीं देखता है। तो दोस्तों सबसे पहले दो चैप्टर का जो नाम है उसका डिफिनेशन हो जाए। चैप्टर का नाम क्या है? एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटि, या सिर्फ इसको एरर बोल सकते हैं आप। शॉर्टकट में सिर्फ इसको आप क्या बोलेंगे? एरर। फिजिक्स में एरर मतलब एरर इन मेजरमेंट ही है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या हुआ? द डिफरेंस, ये क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर। द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है प्रेक्षण, जांच। इच कॉल्ड कहलाता है एरर इन मेजरमेंट। या सिर्फ एरर बोल सकते हैं। इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, डिनोटेड बाय डेल्टा। इस तरह का डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा है या ये कैपिटल डेल्टा, ये दोनों ही डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टा। त्रिभुज जो है ये कैपिटल डेल्टा कहलाता है, और डी को थोड़ा स्टाइलिश बनाइए, ऊपर घुमाइए थोड़ा सा इसको, ये स्मॉल डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है एरर को। तो एरर का फॉर्मूला क्या होगा? एरर का क्या होगा फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं उतरता है, डिफिनेशन से फॉर्मूला निकलता है। देखिए क्या है डिफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल मेजरमेंट, ए एम बोला तो एक्चुअल मेजरमेंट माइनस मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन। ए एम बोला तो एक्चुअल मेजरमेंट, एम ओ बोला तो मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन। ए एम का फुल फॉर्म बताया जाए, एक्चुअल मेजरमेंट। इसका हिंदी क्या होगा? वास्तविक माप। और दूसरा एम ओ, मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन। हिंदी इसको बोलेंगे प्रेक्षण में माप। ये अंतर ही दोस्तों एरर होता है। अब हम आपको टाइप्स ऑफ एरर बताने जा रहे हैं, टाइप्स
ऑफ एरर, त्रुटि के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला है सर क्या है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या दूसरा नाम है रिलेटिव एरर। इसका हिंदी नाम होगा भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्न भिन्न के रूप में भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। देखिए भिन्न या फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कौन लोग नहीं देख रहा है बोर्ड पे, या कौन लिखने का कोशिश कर रहा है, खड़ा हो खड़ा हो। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन, एक तुम पीला टी शर्ट ये सब लिख रहा है महान लस्ती लोग हैं, लोग को कुछ समझने सुनने का जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं जानता, कोई एग्जाम्पल ही बताओ, पहली बार सुना फ्रैक्शन, भिन्न महान हस्ती लोग तुम पूरा वेरी गुड, जो बटे के रूप में हो, पी बाई क्यूब, इतना भिन्न भी नहीं जानता है, क्या जानता है तुम लोग, बैठो और लिखने में कितना उस्ताद सब छाप रहा है, अपने को सकता है बहुत तेज है, सबसे बेवकूफ़ इंसान है, देख लो। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जो पी बाई क्यू रूप में हो, अंश बाई हर के रूप में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब भिन्न का डिफिनेशन नहीं जानता है, एग्जाम्पल पूछे वो नहीं बताया, 1/2, 3/2, 4/5 से क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लिखे एफ आर, फ्रिक्शन मत समझने लेना, फ्रिक्शन घर्षण होता है, ये फ्रैक्शन है जिसका मतलब भिन्न होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, बटे के रूप में, हम लोग शॉर्ट कट क्या बोलते हैं, बटे के रूप में, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन है तो ऊपर कुछ होगा कुछ नीचे होगा, कुछ बाई के ऊपर होगा कुछ बाई के नीचे होगा, जो ऊपर होगा उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे होगा उसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एरर आए उसको ऊपर रखिए और जो वास्तविक माप है एक्चुअल मेजरमेंट उसको नीचे रखिए, तो वो फ्रैक्शनल एरर होगा, या एक तरह से रेशियो हो गया, बाई के रूप में क्या इसको अनुपात भी बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं, इसलिए उसको डिफाइन किया जाता है कि ये रेशियो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, रेशियो, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, सॉरी ऊपर एरर डालना है, द रेशियो ऑफ एरर एंड एक्चुअल मेजरमेंट, द रेशियो ऑफ एरर एंड एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। नीचे आ रहा है इसको थोड़ा डिप बिंड को। तो दोस्तों इसको डिनोट किसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय फ्रैक्शनल एरर है तो एफ ई लिख देंगे, रिलेटिव है तो आर ई लिख देंगे, आया कि नहीं,
तो फ्रैक्शनल एरर को ही रिलेटिव एरर कहते हैं, इसको FER इसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा FE का, फ्रैक्शनल एरर का या रिलेटिव एरर का, क्या होगा दोस्तों? ऊपर क्या रखना है? एरर, द रेशियो ऑफ एरर एंड एक्चुअल मेजरमेंट। तो बाई क्या रखेंगे? एक्चुअल मेजरमेंट, AM। एरर का यहाँ फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं आप, AM माइनस MO बाई AM। तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आया। दूसरा एरर जो होगा दोस्तों वो होगा परसेंटेज एरर। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में देखिए वो परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा छाया हुआ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। हिंदी में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दूसरा टाइप परसेंटेज एरर है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, याद है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, क्या करते हैं, क्या करते हैं? 100 से। तो हम फ्रैक्शनल एरर निकाले हुए हैं, इसी को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी का नाम बदल के क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको परसेंटेज एरर पे। तो इसको डिफाइन करेंगे, नाम में ही डिफिनेशन है, कहेंगे व्हेन एरर प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज then that error is called, कहलाता है परसेंटेज एरर। When error produced in any observation is represented in percentage, प्रतिशत के रूप में दिखाया जाए, इसको डिनोट करेंगे पी से, PE, denoted by PE। तो P का फॉर्मूला क्या होगा? एरर को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल से, ये फ्रैक्शन आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपने पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया है तो फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। इसको आप एक और बात बोल सकते हैं, क्या? रिलेटिव एरर इनटू 100। फॉर्मूले को बंद कीजिए, जो भी फॉर्मूला है उसको बक्से में बंद किए, दिमाग में भी बंद किए, भागने न पाए दिमाग से कभी, मतलब कभी नहीं भूलना है। अब एक न्यूमेरिकल हम तीनों मिला के ले रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फाउंड 4.9 मीटर इन एन ऑब्जर्वेशन, इन एन ऑब्जर्वेशन, इफ द लेंथ ऑफ 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फाउंड 4.9 मीटर इन एन ऑब्जर्वेशन, देन कैलकुलेट
तो दोस्तों क्या करना है, निकालना है एरर निकालना है, दूसरा फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तीसरा पी मतलब परसेंटेज एरर निकालना है, बन जाएंगे। तो एरर कितने हो जाएंगे बताइए, बिना पेन कलम कागज़ के बनाइए। 0 पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, 0.1/5 मतलब 1/50। परसेंटेज एरर कितना आया, 1/50 × 100 दैट इज़ 2%। हर कोई बनाइए और YouTube के कमेंट बॉक्स पे आंसर डालिए, कंपलसरी ये सबको डालना है, समझ लिया। किसके लिए वीडियो बना के डालना है, मजदूर तो पड़ेगा, लेबर वर्क के लिए या फिर लोगों के लिए, एक बार फिर से घर में देखेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। कॉपी तो खोलने का मन नहीं करता है तो मोबाइल ही खोलिए, लेकिन फिजिक्स देखिए, NSC क्लास भाई डॉक्टर हामिद सर, उस पर जा कर के उसको पढ़िए और फिर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।